ये वीडियो क्रीपर और क्लाइंबर दिखाने के लिए मैंने बनाया है। बच्चे बोलते हैं मैडम क्रीपर क्या होता है, क्लाइंबर क्या होता है। तो ये है अपराजिता का पौधा। इसकी जो स्टेम है, अगर तुम इसको टच भी करोगे, घर में भी आपके होगा, तो इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये किसी की चीज़ के चारों तरफ अपने आप को बहुत जल्दी लपेट लेता है, लपेट कर ऊपर बढ़ता है ना। और इसमें ऊपर में टेंड्रिल जैसी एक स्ट्रक्चर भी रहता है, जो कि इसको किसी दूसरे चीज़ के ऊपर अपने आप को लपेटने और वहाँ पकड़ने के लिए हेल्प करता है। ऐसा टेंड्रिल वाला स्ट्रक्चर गॉड्स में भी होता है, जो बाकी क्रीपर्स होते हैं उनमें भी होता है, बिटल गार्ड में यानी करेले में भी होता है। देखो ये टेंड्रिल जैसा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं टेंड्रिल, TENDRIL, टेंड्रिल है ना, ये टेंड्रिल कहलाता है। और ये स्ट्रक्चर जो है इसको किसी भी चीज़ को पकड़कर और ऊपर बढ़ने में हेल्प करता है। देखो कितना बढ़िया टेंड्रिल लग रहा है, ये देखो इसे घुंघराला घुंघराला सा, और ये किसी स्ट्रक्चर को पकड़ के और इसको ऊपर बढ़ने में हेल्प करता है। किसी को पकड़ लेता है ये अपने टेंड्रिल से गोल करके, देखो यहाँ पे इसने पकड़ा हुआ, देखो, और फिर अपने आपको ऊपर क्लाइम करना है, इसको पकड़ पकड़ के चढ़ना मीन्स क्लाइम करना है ना, क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, ऐसे ये क्लाइंबिंग करता है। और क्रीपर जो होता है क्लाइम नहीं करता। अपराजिता का एक और देखो कैसे कितना अच्छे से इसकी स्टेम ने क्लाइम किया हुआ, ये देखो कितने अच्छे से स्टेम ने पकड़ के गोल गोल घूम के अपने आपको ऊपर क्लाइम किया हुआ। और इसमें जगह जगह टेंड्रिल्स भी होते हैं अपराजिता में भी, है ना, टेंड्रिल जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये देखो सूख गया है और ऊपर में है। तो टेंड्रिल्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको क्लाइम करने में हेल्प करता है, क्लाइम करते जाता है खुद को, कहीं कहीं पे चढ़ा लेता है और फिर वहाँ पर फैलता है। और क्रीपर जो होता है उसमें जड़ें होती हैं और वो ज़मीन पे क्रीप करते हुए चलता है ना। उसमें क्या होता है, ये जो है जैसे घास है या इस तरह का कोई पौधा है, इसके जो नोड्स होती हैं, नोड्स में रूट्स जैसे स्ट्रक्चर निकलते जाते हैं और ये जहाँ जहाँ इसको धरती मिलती जाती है ये पकड़ते जाता है और आगे बढ़ते जाता है। फिर तुम कहोगे कि मनी प्लांट क्या है, तो मनी प्लांट में भी रूट होता है, लेकिन इसका रूट क्या करता है, इसका रूट इसको नरिशमेंट लेने में भी हेल्प करता है। ये किसी चीज़ पे चिपक जाता है रूट, और फिर किसी चीज़ पे चिपक जाता है या तो दीवार पर या किसी अगल बगल में कोई पौधा होता है या लकड़ी होता है, वहाँ से नरिशमेंट और मॉइस्चर लेता है, जिसकी वजह से इसके लीव्स जो हैं वो अपने आप को नरिश रखते हैं और सुंदर और बड़े बनाते हैं। इसके अलावा एक और दिखाती हूँ मैं एग्जांपल क्रीपर का। वो क्रीपर और क्लाइंबर बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। देखो यहाँ पर ये देखो कितना सुंदर है क्रीपर, ये देखो ये सारा, ये देखो ये जो जड़ें हैं, ये देखो जड़ फैल रहे हैं और इसको ये मिट्टी मिलेगी तो मिट्टी में ये जड़ें बढ़ती जाएंगी और ये पौधा बढ़ता, कितना लंबा हो गया देखो, ऐसी धूप की घास भी फैलती है ना। तो ये हो गया क्रीपर का एग्जांपल, देखो यहाँ पे जड़ निकल गई ये, और क्योंकि ये हैवी होता है तो ये ऊपर क्लाइम नहीं करता है, ये जड़ों को पकड़ के नीचे से मॉइस्चर लेते जाता है, जड़ें इसकी मॉइस्चर लेती जाती हैं और मिट्टी में इसको काफ़ी नरिशमेंट मिलते रहता है और मॉइस्चर वगैरह मिलता है और थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी कहीं कहीं पकड़ लेता है और ये आगे बढ़ते जाता है खूब लंबा। देखो कितना यहाँ से लेके और इसका पौधा कितना लंबा है ये देखो, लेकिन पूरा ज़मीन पर है, ऊपर नहीं, किसी चीज़ के ऊपर नहीं फैला हुआ, ये देखो कितना लंबा पौधा है ना। तो ये है क्रीपर। ओके, आई होप क्लाइंबर और क्रीपर तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है।